त्रेता युग में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया। परशुराम जी वैसे तो ब्राह्मण रूप में जन्मे थे, लेकिन वीरता में वो किसी क्षत्रिय से कम नहीं थे। इसलिए जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी, तब क्षत्रियों के इस नीच कर्म को देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। हर बार धरती से क्षत्रियों का नाश कर वो महेंद्र पर्वत पर भगवान शिव की आराधना के लिए चले जाते थे और धरती पर क्षत्रियों की संख्या बढ़ने पर धरती पर आकर फिर से उनका नाश कर देते थे। ऐसे ही 17वीं बार भी क्षत्रियों का नाश कर वो महेंद्र पर्वत पर तप के लिए चले गए। जब वो वर्षों बाद तप से उठे तो उनका अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने का बहुत मन हुआ। मेरा भगवान शिव से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे अभी उनसे मिलने कैलाश पर्वत जाना चाहिए। ये सोचकर वो शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर वो शिवजी को पुकारने लगे, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उनकी पुकार सुन नंदी और बाकी शिवगण वहाँ एकत्रित हो गए। मुनिवर, भोलेनाथ यहाँ नहीं है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नहीं है तो और कहाँ है? हम नहीं जानते भोलेनाथ कहाँ है। मैं अपने आराध्य से मिलने आया हूँ और तुम कह रहे हो तुम नहीं जानते। जल्दी बताओ भोलेनाथ कहाँ है। हम सत्य कह रहे हैं, हम नहीं जानते भोलेनाथ कहाँ है। आप बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं अब शिवजी को अपने आप ही ढूंढ लूंगा। ये कहकर परशुराम वहाँ से चले गए। उस समय भगवान शिव पार्वती जी के साथ अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और शिवजी की आज्ञा अनुसार गणेश जी उनके कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी शिवजी को ढूंढते ढूंढते परशुराम वहां पहुंचे। शिव शंभू, आप कहां हैं? गणेश उन्हें प्रवेश से रोकते हुए बोले, रुक जाइए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये सुनते ही परशुराम रुक गए और क्रोधित होकर बोले, हे गजमुख, कौन हो तुम और तुमने मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस कैसे किया? इस पर गणेश बिना क्रोधित हुए विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश हूँ। पिताजी का आदेश है कि मैं किसी को भी शयन कक्ष में प्रवेश ना करने दूँ, इसलिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। गणेश, मैं परशुराम हूँ, मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ और तुम मुझे मेरे आराध्य से मिलने से नहीं रोक सकते, इसलिए हे गजमुख, तुम अभी मेरे मार्ग से हट जाओ। ऐसा कहकर परशुराम आगे बढ़े और बलपूर्वक शयन कक्ष में प्रवेश करने लगे। गणेश ने थोड़ा सा बल लगाकर परशुराम को पीछे धकेल दिया। इस पर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए, गजमुख, और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। परशुराम ने गणेश पर कई अस्त्रों और शस्त्रों से वार किया। गणेश ने उनके हर अस्त्र और शस्त्र को बहुत ही आसानी से काट दिया, किंतु कभी उन पर वार नहीं किया। एक बालक के हाथों पराजित होने के भय के कारण परशुराम और भी क्रोधित हो गए। ये बालक मुझे पराजित नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने विद्युत भी परशु धारण किया। गणेश जी परशु को देखकर सोच में पड़ गए, ये परशु तो पिताजी ने परशुराम जी को दिया था, मैं इस परशु का अपमान नहीं कर सकता। हर हर महादेव, और उसे गणेश की तरफ फेंक दिया। उन्होंने परशु के वार को अपने दंत पर ले लिया। परशु के वार से उनका दंत टूटकर जमीन पर गिर गया। दांत के टूटने से गणेश को बहुत पीड़ा हुई। माता, माता! गणेश के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर शिव और पार्वती शयन कक्ष से बाहर आए। जब पार्वती ने गणेश के टूटे हुए दांत को देखा तो वो क्रोधित हो गईं और शिवजी से बोली, स्वामी, परशुराम ने हमारे पुत्र का एक दंत तोड़ दिया, आप इन्हें दंड दीजिए, नहीं तो मुझे इन्हें श्राप देना होगा। अपनी माता का ये उग्र रूप देख गणेश बोले, नहीं माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं है। परशुराम जी पिताजी के परम भक्त हैं। जब मैंने उन्हें पिताजी से मिलने से रोका तो
क्रोध में उन्होंने मुझ पर परशु चला दिया। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। गणेश की क्षमाशीलता देखकर परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी शिवजी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, तुम्हें गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गणेश चाहता तो बहुत आसानी से परशुराम को पराजित कर सकता था, किंतु संसार में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए उसने ऐसा नहीं किया। और विष्णु अवतार परशुराम ने गणेश का दांत नहीं तोड़ा, उन्होंने तो गणेश की सहनशीलता, बुद्धि, सामर्थ्य, क्षमाशीलता जैसे गुणों को सामने लाकर गणेश का उद्धार ही किया है। महादेव की बात सुनकर परशुराम का अहंकार नष्ट हो गया। वो गणेश से क्षमा मांगते हुए बोले, हे गणेश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दो। और मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम्हारा ये टूटा हुआ दंत व्यर्थ नहीं जाएगा। भविष्य में तुम्हारे इसी टूटे दंत से एक महान काव्य की रचना होगी। गणेश ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्षमा पाकर परशुराम माता पार्वती और शिवजी से आज्ञा लेकर वहाँ से चले गए। और इस तरह गणेश और परशुराम का युद्ध समाप्त हुआ। इसके वर्षों बाद द्वापर युग में गणेश जी ने उसी टूटे दंत से महान काव्य महाभारत की रचना की।